नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। वृद्धा पेंशन को लेकर प्रखंड कार्यालय गढ़वा में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा लाभुक। जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के तिलदा गांव निवासी हनीफ शेख का पेंशन फरवरी 2021 के बाद बंद हो गया। इसे लेकर प्रखंड कार्यालय में आवेदन देकर पेंशन चालू कराने की मांग करते रहे। हनीफ शेख ने बताया कि ऑपरेटर तौहीद आलम ने 1000 रुपये लेने के बाद ही पेंशन चालू कराने की बात कही थी। इसके बाद वे प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर शिकायत किया तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उन्हें डांट कर कार्यालय से भगा दिया। हनीफ शेख ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने से पूर्व झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपायुक्त गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा तथा BDO गढ़वा एवं थाना प्रभारी गढ़वा को इस बात से अवगत कराते हुए रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेजा है। लेकिन यहां तक कि हनीफ शेख ने राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को भी आवेदन देकर पेंशन चालू कराने की गुहार लगाई थी, जिस पर मंत्री ने उपायुक्त को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन हनीफ शेख का पेंशन चालू नहीं हो सका। थक हार कर हनीफ शेख गुरुवार को सुबह 10 बजे से प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना पर बैठ गए। समाचार भेजे जाने तक प्रखंड कार्यालय से कोई पहल नहीं की गई थी। जी पिता स्वर्गीय तोलर शेख जी, ग्राम पोर्ट तिलदार थाना जिला गढ़वा का निवासी हूँ जी। मैं सेवानिवृत्त पारा शिक्षक हूँ। मेरा पेंशन फरवरी 19 से वृद्धा पेंशन चालू था। बैंक विलय के बाद UBI में बैंक था, वो विलय हो गया PNB में। बैंक विलय के बाद मार्च 21 से मेरा वृद्धा पेंशन बंद है। इसके संबंध में जिला में सामाजिक सुरक्षा विभाग पता करने पर पता चला कि वहां बोला गया कि अपने प्रखंड के कंप्यूटर ऑपरेटर संपर्क कर आधार कार्ड एवं पासबुक का फोटो जमा कर दीजिए। उनके कथनानुसार एवं बोर्ड पर सटा हुआ नोटिस के अनुसार मैं आकर के तौहीद आलम कंप्यूटर को एक बार नहीं चार चार जब आते तो कहते कि दे दीजिए, चार चार बार उनको दिया आधार कार्ड एवं पासबुक का फोटो कॉपी जून से आज तक। इसके बाद में बोले कि मैडम सुरीता को दे दीजिए आप आवेदन, उनको भी मैं आवेदन दिया अगस्त या सितंबर में। फिर एक महीना के बाद आए कहे कि मैडम क्या मेरा हो गया, लगे खोजने तो कहा कि नहीं आपका आवेदन भूल गया, फिर आवेदन दीजिए। मैं फिर आवेदन दिया, होते होते आ गया नवम्बर। नवंबर में आपका सरकार आपके द्वार आपके अधिकार के कार्यक्रम के तहत तिलदाग पंचायत में 18 नवंबर को कैंप लगा। कैंप में वहां भी मैंने इन लोगों के खिलाफ किए थे, बट वीडियो के नाम से दिया कि चार बार तौहीद आलम को दिया और दो बार मैडम को दिया। इसके बाद भी मेरा इमर सलीमान से आग्रह है कि मेरा आपने चालू किया जाए। इसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैं 24 जनवरी को RTI एक ले करके लाया BDO ऑफिस में, तो किसी ने रिसीव नहीं किया। तो मैं BDO साहब के पास गया कि ऐसा ऐसा बात है, किसको किसको कितना रुपया देना होगा, क्योंकि तौहीद आलम जो है कंप्यूटर जो है पैसा लेने के चलते वो जो है 1000 की मांग की, घूमने से कुछ नहीं होगा, एक तरह जमा करने से बात आप पेंशन सबको देना पड़ता है, साहब को सबको देना पड़ता है। तो हम पैसा ना दे करके हम BDO से मिले कि भाई किनको किनको इतना पैसा देना है, तो BDO बिगड़ गए कि तुम्हारे कर्मचारी पर इल्जाम लगाते हो, जा भागो तुमको पैसा नहीं देंगे 24 जनवरी 22 को। तो मैंने कहा कि प्लीज सर सुन लिया जाए, मैं अति रिटायर पारा टीचर हूँ, मेरा कोई आमदनी नहीं है। कहा कि जो भागो नहीं देंगे, निकल गए भाग करके ढकल पार हो गए। इसके बाद में गया मैं 24 तारीख को घर और 2 बजे रात को उठ के ड्राफ्टिंग किया अपने से, और गवर्नर, CM मिथिलेश ठाकुर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, उपायुक्त महोदय, SDO, BDO साहेब, थाना प्रभारी, CS, मीडिया को देते हुए लिखा कि इस तरह के बात है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हुआ, इन लोग जो है 1000 चलते कि साहब को देना पड़ता है, चक्कर लगा से कुछ नहीं होगा, इसलिए दो तबे काम होगा। तो मैं लिखा कि अगर 9 फरवरी तक मेरा पेंशन विधा पेंशन नहीं आएगा तो मैं 10 फरवरी से धरना पर बैठूंगा, उसके तहत मैं धरना पर बैठा। चलिए, आपके पास जो आप कंप्यूटर ऑपरेटर को आप एप्लीकेशन दिए थे उसका रिसीविंग है आपके पास? देखिए दिखाइए, तो रिसीव नहीं देता है, लेकिन वहाँ कैंप पर जो किए थे ना उसका रिसीविंग मेरे पास है। इन लोग कोई नहीं दिया रिसीविंग हमारे पास, लेकिन जो देखिए
बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक अंसारी है, ग्राम झलुआ के रहने वाले हैं। ये एक विधायक के हैं, क्या नाम है आपका? अनिल अंसारी। जानकारी अपना धरना पर बैठे हुए हैं वृद्धा पेंशन के लिए। बहुत शर्म की बात है कि वृद्धा पेंशन के लिए कोई धरना प्रदर्शन करे, धरना पर बैठ जाए, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता। हम तो यही बताएंगे। अभी चल रहे हैं वीडियो के पास, फोन नहीं चलते हैं। एटार स्पोर्ट्स गवर्नमेंट्स एंड जनरल ऑर्डर सप्लायर अब आपके शहर गढ़वा में खेलकूद और फिटनेस के सभी ब्रांडेड आइटम, स्यून रेस ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स शू, हाफ पैंट, टी शर्ट, टाइटन, फास्टैग के चश्मे, सेंट जॉकी के लेडीज स्पोर्ट्स कपड़े, बिगम सल्स प्रोटीन सप्लीमेंट इत्यादि सभी सामानों पर 5-10% की छूट। खेल कूद के सामान का संपूर्ण दुकान शॉप नंबर 4 कृषि विज्ञान केंद्र रोड पिपरा कला गढ़वा। तो संपर्क करें प्रमोद चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर है 8969642519। धन्यवाद।